हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का ये वीडियो होने वाला है एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस। तो जैसा कि हम सब जान ही रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अब काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं, आइदर वो MBBS की काउंसलिंग हो, BAMS की काउंसलिंग हो, BTS हो, BHMS हो। सो जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आती है वो आती है सेलेक्शन ऑफ कॉलेज, मतलब कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप सोचते हैं, आप कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट होगा और कहाँ हमें एडमिशन लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और एग्जैक्टली आपको चीज़ें नहीं पता चल पाती क्योंकि आप नए होते हो, तो आप नहीं पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन उसकी कलेक्ट कर पाते हो। सो एज़ यू ऑल नो कि जहाँ गवर्नमेंट की बात है, तो एज़ यू ऑल नो दैट गवर्नमेंट सीट्स आर वेरी लेस और गवर्नमेंट की सीट्स इतनी कम है तो एज़ वेल एज़ उसके कॉलेजेस भी कम हैं। तो जो टॉप रैंकर्स होंगे सिर्फ उन्हीं को ही गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल पाते हैं, ये हम सबको पता है। चाहे फिर वो आपका कोई भी कोर्स हो, MBBS हो, BMS हो, BDS हो, जो भी हो, जो टॉप रैंकर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी रैंक एंड अकॉर्डिंग टू देयर ऑल ओवर रैंक, उन्हें वो गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं जहाँ भी वो, जो भी कॉलेजेस उनकी रैंक के अनुसार उन्हें अलॉट होते हैं। अब रही बात प्राइवेट कॉलेजेस की, तो सबसे जो बड़ा कन्फ्यूजन आता है अगर किसी को प्राइवेट एडमिशन लेना है, आइदर वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो सबसे जो बड़ी कन्फ्यूजन आती है वो वहीं पर ही आती है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ एनी ऑफ कोर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके बारे में पूरी तरीके से जान लेना है, क्योंकि आपको पता ही है कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वो प्रॉपर 5.5 साल का कोर्स होता है। और आपको पता है कि अगर आप 5.5 साल के लिए आप कहीं पर एडमिशन ले रहे हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक आउट ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल, बिकॉज आपके फ्यूचर का सवाल है। तो आप अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ठीक ठाक मतलब कि एडमिशन मिल जाए, तो सबसे पहले आपको सिर्फ वेबसाइट्स में या फिर आप गूगल में सर्च करके उसको ना देखें, बिकॉज किसी भी मेडिकल कॉलेज की साइट पे आप विज़िट करके आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिलेगी नहीं, और ना ही गूगल पे आपको मिलेगी कि आपने कोई भी रैंडम कॉलेज मेडिकल कॉलेज वहाँ से पिक कर लिया। तो आपको पता है आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग रिसर्च करके वहाँ पे जाना है। तो कुछ चीज़ें मैं आपके संग शेयर करना चाहूँगी, अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी कॉलेजेस डिसाइड किए हैं लिस्ट आउट आप कर लें, और आप एडमिशन लेने से पहले वहाँ पे जाके आप पर्सनली आप विज़िट करें वहाँ का एकेडमिक सेशन, वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, वहाँ का रिजल्ट रेशियो क्या है, और सारी चीज़ों को आप वहाँ पे जाके, क्योंकि आपको किसी भी साइट पे ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब वहाँ पे आप पर्सनली जाएंगे, वहाँ पे आप सारी चीज़ें जानेंगे, वहाँ पे बहुत सारे और स्टूडेंट्स होंगे, उनसे भी आप उनका पर्सनल रिव्यू पूछेंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि ये कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की इतनी ज़्यादा फ़ीस होती है, और आप 5.5 साल कहीं पे अगर अपना टाइम अपनी पढ़ाई देने वाले हैं तो आप अपने लिए बेस्ट ही सेलेक्ट करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे सारी जो डिटेल है वो जहाँ वहीं पे जाके आपको पता चलेगी। क्योंकि जब आप पर्सनली किसी भी मेडिकल कॉलेज में विज़िट करेंगे तो आप अपनी एक एक क्वेरी वहाँ पे आप रिजॉल्व कर सकते हैं, और आपका सारा कन्फ्यूजन वहाँ पे जाने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो सकता है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सबसे द अटमोस्ट थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे प्रैक्टिकल सेशंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं या नहीं होते हैं या कैसे होते हैं, ये भी चीज़ें जाके आपको वहाँ पता चलेगी। बिकॉज आप जब वहाँ के मैनेजमेंट से या फिर वहाँ के टीचर से बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन ना दें और आपको बोल दें कि यहाँ पे सब कुछ होता है, बट आप वहाँ पे जाके जब उसी मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से आप बात करोगे तो वो आपको रियलिटी चेक ज़रूर दे देंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा फीस पे कर रहे हो तो आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले।
वहीं पे अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपकी अच्छी रैंक है और आप चाह रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस मिलें तो आपको जाके हर गवर्नमेंट कॉलेज की ऑल ओवर रैंकिंग और स्टेट रैंकिंग आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए और वहाँ पे पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि अगर किसी मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्सेज अवेलेबल होंगे और वो वहाँ पे हर तरह का पीजी कोर्स या पीएचडी कोर्स करवा रहा होगा तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एज वेल एज आपको मोटिवेशन मिलेगी कि जैसे ही आप यूजी कंप्लीट करोगे तो वहीं पे ही आपको अगर वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है तो वहीं पे आप फर्दर आगे जो है मेहनत करके आप पीजी सीट्स भी वहीं की आप ले सकते हो, तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज की तरफ। तो ये हमने आपको पहले बताया कि एकेडमिक सेशन एंड वहाँ पे प्रैक्टिकल सेशंस कैसे होते हैं, इन सब की नॉलेज आपको अच्छे से कलेक्ट कर लेनी है, अच्छे से जान लेनी है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके आपको सबसे पहले एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है कि उनका जो हॉस्पिटल है, क्योंकि आपको पता ही है कि हर मेडिकल कॉलेज में उनका सेल्फ का हॉस्पिटल होता है, वो रनिंग है या नहीं। तो इन चीज़ों का लोग ध्यान नहीं देते हैं, पहले लोग ध्यान नहीं देते हैं एंड आफ्टर वर्ड्स दे हैव टू सफ़र इन योर इंटर्नशिप पीरियड, क्योंकि अगर आपका जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है वो रनिंग नहीं होगा तो आपका ये जो इंटर्नशिप होगा, इंटर्नशिप पीरियड होगा 1 साल का, उसमें आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। एज वेल एज़ आपका जो 5.5 साल का कोर्स होगा उसमें भी आपको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि आपको डॉक्टर बनने के लिए जितना थ्योरी नॉलेज की नीड है उतना ही आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। और अगर आपका हॉस्पिटल रनिंग नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस करोगे कहाँ, क्योंकि सिर्फ थ्योरी बेस पे आप एक अच्छे कंसल्टेंट, एक डॉक्टर नहीं बन सकते हो। तो आपको ये जाके उस मेडिकल कॉलेज में जाके देखना है डिटेल में कि उनका जो हॉस्पिटल है वो रनिंग है या नहीं है। और उसके बाद अगर आप सेम एज इन अगर आप गवर्नमेंट भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सेम चेक करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो उसका जो है हॉस्पिटल बहुत अच्छे से रनिंग हो। और अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप जो है स्विच भी कर सकते हो कि आपको ये नहीं, जैसे बहुत लोग प्रेफरेंस देते हैं कि उन्हें उनके स्टेट में या उनकी सिटी में ही उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो बेटर है, बट अगर आपको थोड़ा सा अच्छा कॉलेज थोड़ा सा दूर मिल रहा है तो सो आई सजेस्ट यू कि आप वही कॉलेज जो है सेलेक्ट करें, चाहे फिर वो दूर हो या पास हो, पर बेस्ट कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है अपने लिए, बिकॉज थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल बोथ इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। और आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, स्पेशली अगर प्राइवेट में ले रहे हैं, तो वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर आपको पूरी समझ लेनी है कि 5.5 साल के कोर्स में आपका कितना खर्चा आएगा, कितनी एकेडमिक फ़ीस है और कितनी एग्जामिनेशन फ़ीस है और जो भी अदर चार्जेस, अलग अलग जो है मेडिकल कॉलेज के अलग अलग चार्जेस रहते हैं, वहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, उसका कितना चार्ज है, और सारी आप जो इन्फॉर्मेशन है वो एडमिशन लेने से पहले आप डिटेल में जान लें, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैं आपसे बता रही हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा आप किसी से पूछोगे या आप बहुत ज़्यादा सर्च करोगे तो आपको नहीं पता चलेगी। तो ये किसी भी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे आपको जाने से पहले आपको उसकी पूरी डिटेल्ड आपको चेक करनी है कि वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग करेक्ट है या नहीं है, बिकॉज़ आप डॉक्टर बनने जा रहे हो और आप अगर कहीं एडमिशन लेते हो तो वो आपको बेस्ट ही आउटकम दे, आप सब यही होप करते हो। तो सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग एडमिशन और एनी थिंग सो प्लीज़ कमेंट बिलो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।